की बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 63 में कल अपहरित हुई बच्ची का नोएडा पुलिस ने किया बरामद। जी हां, बलि देने के लिए 70 वर्ष बच्ची का किया था अपहरण। शादी न होने पर तांत्रिक क्रिया में बलि देने की थी योजना। वही बच्ची बरामद करने वाले पुलिस टीम को 50,000 रुपए से किया पुरस्कृत। पुलिस द्वारा 5 आरोपितों को बारे में बताया गया कि जिनमें से 2 आरोपितों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कल छिजानी के डूब क्षेत्र में रहने वाले परिवार के 7 वर्ष बच्चे घर के बाहर से खेलते हुए लापता हुए थे, जिसकी पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से छानबीन की गई थी। वह सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हो रहे आरोपी की पहचान हो सके, जिसके बाद बागपत से बच्चे को बरामद किया गया। देखिए रिपोर्ट संदीप तिवारी के साथ। एक बच्ची लगभग 7 साल की थी, ये अपने घर से गुम हो गई थी और इसकी जो है सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और लगभग 4 टीमें हमारी उसमें काम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट्स के आधार पे हम लोगों ने जो है 2 लोगों की पहचान की, जिसमें एक नीटू और दूसरा उसका साला सोनू, ये बच्ची को लेकर के गए थे और उसमें इन्होंने बच्ची को जो है वो आइसक्रीम वगैरह खिला करके उसको टेम्पो के माध्यम से गाज़ियाबाद होते हुए ये मेरठ और फिर बागपत ले गए थे, जिसमें बागपत में सोनू की जो बहन थी वो उसकी शादी हुई है, उसकी ससुराल है, वहाँ पर बच्ची को रखा था। जैसे ही जानकारी हम लोगों को ये मिली, हमने तत्काल वहाँ से जो है रेड करके बच्ची को सकुशल बरामद किया और दोनों की गिरफ्तारी की है। और इसमें अभी 3 लोग जो सोनू की दोनों बहनें और एक जो तांत्रिक है उसकी भी जो है वो गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और जो निकल कर के घटनाक्रम आया है वो ये कि ये सोनू नाम का जो व्यक्ति था, इसकी शादी नहीं हो रही थी तो इससे दूसरा जो सोनू था उसके संज्ञान में ये बात जब उसने ली कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो उसने उपाय बताया कि आप जो है एक अगर कोई बलि दोगे तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए, तो उसी क्रम में इसने ये पूरी घटना की थी। बहरहाल मेन अक्यूज और इसका साथी गिरफ्तार हो गया है, बच्ची सकुशल बरामद है और आवश्यक कार्रवाई चल रही है। और ये होली में इस तरह की घटना कर सकते थे ऐसा जो है इनके द्वारा बताया गया, परंतु पुलिस की सक्रियता और जो है मैनुअल इनपुट्स के आधार पे बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त और उसका साथी पुलिस हिरासत में है, अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के अनावरण में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 50,000 रुपये का इनाम टीम को दिया गया। सर, लगभग कितने लोग थे इसमें शामिल और क्या कितने बच्चे को रखा और कहाँ पर रखा था? टोटल 5 लोगों की अब तक जो है वो जानकारी हो पाई, जिसमें 2 लोग जो मुख्य थे वो हमारी हिरासत में हैं और इस हो चुके हैं, 3 अन्य लोगों के लिए दबिश चल रही है। और ये यहाँ से जो है वो बागपत में जो इसकी बहन का ससुराल था वहाँ पर बच्ची को लेकर गए थे और वहीं पे जो है इनके बलि देने का प्रोग्राम है। आपराधिक इतिहास है इनकी इसका? अभी तक आपराधिक इतिहास कोई उस तरह का नहीं निकल के आया है, शराब पीना और उस तरह की बात जरूर निकल के आई है, परंतु कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। तांत्रिक के बारे में तांत्रिक कैसे पहले बलि वाली बात अभी पुष्ट नहीं हो पाई है। जो सोनू से बात हुई है उसमें गांव में लोगों को कोई समस्या हो जाए तो झाड़ फूक करना, धागा बांध देना, किसी को